जुड़े हुए हैं के मिश्रा जी, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कि हमें तमाम बारीकियों को समझा रहे हैं, राजनीतिक के तौर पर भी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं आप। आपसे हम सब समझ रहे हैं कि आखिरकार सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से आप लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी इस अंतरिम बजट के जरिए, लेकिन इनकम वालों पर ESI का लाभ मिलेगा, कैसे ले रहे हैं इसको? देखिए, इन्होंने क्या किया, जैसे जो छोटे एम्प्लॉई होते हैं जिनकी तनख्वाहें कम होती है, ये तो एक बड़ा जेन्यून है। मैं आपको बताता हूँ कुछ बड़े जेन्यून चीजें हैं जो बजट में अच्छी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मेजर इनका ट्यूनअप जो इन्होंने किया है, जो मैंने शुरू में बोला था, वो आगामी चुनाव और वोट बैंक को देखते हुए। फायदा होगा इससे? नहीं, इनके वोट बैंक में फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 4 साल से यही पब्लिक 2.5 से 3 लाख रुपए तक का एक्सपेक्ट करते करते टैक्स के स्लैब में छूट का इन्होंने 3 लाख नहीं किया, आज इतनी मेहरबान की पूरा रिकॉर्ड बना दिया 5 लाख। ये ESI वाला देखिए, 2-3 चीजें इन्होंने बहुत अच्छी की है जो बड़ी नेचुरल है, शॉर्ट में, क्योंकि समय का भाव। जैसे ESI का इन्होंने बढ़ा दिया, इसके बाद पोस्टल सेविंग वगैरह जो होती थी 40,000 बढ़ा दिया कि उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपकी सेविंग पे जो होता था। गौ वंश का संवर्धन, ये हमारे मानसिकता से, हमारे हृदय से जुड़ी हुई चीज है, उसके लिए इन्होंने जो बजट रखा हुआ है। चलिए, कह सकते हैं पूरे सेक्टर को ध्यान में रखते हुए पूरा जो ये अंतिम बजट है इसको पेश किया गया है, क्या कुछ इसके फायदे लाभ होंगे, इस पर लगातार हम बने हुए हैं। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय दिया है, लगातार आप